जय महाकाल। मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बेसिक क्लास है, इसमें जो है हम 10 क्वेश्चन बैक टू बैक लेंगे और उसमें से देखेंगे कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, इसे आप याद रखिए। दो के लिए जो है दो और एक, तीन के लिए जो है तीन तीन एक, और चार के लिए जो है चार छः चार और एक। ये पैटर्न को आप याद रखिए, ठीक है। अगले क्लास में हम बताएंगे ये किस तरह से निकाला जाता है और क्या होता है ये। तो सबसे पहले जो है आप इस तरह के पैटर्न को याद रखिए। अब इस पैटर्न पे हम बनाएंगे। देखिए कहा जाता है सोनू जो है 10,000 की एक राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। याद करें 3 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलता है। तो सबसे पहले जो परसेंटेज दिया हुआ हो उस परसेंटेज को कैलकुलेट कीजिए। कितना परसेंट है? 10% है। तो 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू आपको बताए थे कितना हो जाता है, 1/10। अब निकालिए 10,000 का 10% यानी कि 1/10 भाग कितना निकल के आ जाएगा, 1,000। कितना निकल के आ जाएगा, 1,000। अब 1,000 का फिर से निकालिए 10वां भाग, 0,0 कट जाएगा, 100 100 निकल के आ गया। अब 100 का फिर से निकालिए 10वां भाग, 1/10, 0,0 कट के आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास तीन चीज आ गया है, क्या क्या आ गया, 1,000 आ गया, 100 आ गया और 1/10 आ गया, ठीक है। 3 वर्ष के लिए कहा जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे तीन, देखिए 3 वर्ष के लिए कहा जा रहा है तो लिख लेंगे 3 3 1। अब देखिए जो परसेंटेज निकाले हैं, जितने वर्ष के लिए कहा जाए उतने बार परसेंटेज को निकालना होता है। तो 3 बार निकालें तो पहली बार में क्या निकाले हम, 1,000 निकाले हैं। दूसरी बार में क्या निकाले हैं, 100 निकाले हैं। और तीसरी बार में 10 निकाले हैं। अभी सबको गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 1,000 को 3,000 तीन से गुना करेंगे 3,000 हो जाएगा, और उसको जोड़िए, फिर 3 को 100 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा, और 1 को 10 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। अब जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,000 310, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि यदि हम 10,000 की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करें तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, हमें 3,310 रुपया ब्याज मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1600 की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से निवेश किया गया। तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि 2 वर्ष के लिए क्या होता है, 2 और 1। ये फॉर्मूला जो है आप लिख लीजिए, इसे याद कीजिए, ठीक है। परसेंटेज को सबसे पहले देखिए, 10% का वैल्यू क्या हो गया फ्रैक्शन में, 1/10। तो 16,000 दिया हुआ है, 16,000 का 1/10 निकालिए, कितना निकल के आ जाएगा, 1,0 1,0 कैंसिल हो जाएगा, 1600 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा पहला हो गया। अब 1600 का जितना निकल के आया उसका फिर से 10% निकालिए, 0,0 कट जाएगा, 160 निकल के आ जाएगा। 2 वर्ष के लिए कहा जा रहा है, कितने वर्षों के लिए कहा जा रहा है, 2 वर्ष के लिए कहा जा रहा है। तो हम 2 ही बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, 1 को इसके नीचे रख लेंगे और दूसरा जो निकला हुआ है उसको इसके नीचे रख लेंगे, ठीक है। अब इस दोनों को गुणा करेंगे, 16 × 3,200 प्लस 160, इस दोनों को जोड़िए, 0,633, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि 16,000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से निवेश किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 3,360 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा 3 वर्ष के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से संयोजित 1,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पे रखे हैं कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए सबसे पहले 5% का वैल्यू निकालते हैं। 5% का वैल्यू क्या होता है, 1/20। ये वैल्यू आपको याद रखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी आसानी से बन जाएगा। आप देखिए 1,000 का जो हमको दिया हुआ है उसका 1/20 निकालिए, 0,0 कट जाएगा, 2 से कटाइए कितना बार में, 50 बार में। तो हमको पहला निकल के क्या आ गया, 50। अब देखिए
50 का 1/20 इसको कटाइए, ये कितना निकल के आ जाएगा 2.5। हमको दो वैल्यू पता चल गया, कितने वर्षों का कर है, 3 वर्ष का कर है, तो 2.5 का फिर से 20% 1/20 निकालिए। ठीक है, इसका निकालिए कितना निकल जाएगा, ये ऊपर से नीचे इसको लेके आ जाइए पहले। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 25/200, कटाइए 25 से, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 1/8, 1/8 का वैल्यू 0.10 हो गया, 8 का 8, फिर 20 हो गया, 8 दोनों 16, 4, 20, 8, 5, 40, इतना आ जाएगा 0.125 आ गया। अब हमको तीन बार मिल गया है। अब देखिए हमको फॉर्मूला पता है, 3 वर्ष के लिए यदि होता है, वर्ष कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए यदि दिया रहे तो हमें क्या करना होता है, 3 वर्ष के लिए यदि हमें दिया रहे तो 3, 3, 1 लिखना होता है। तो 3 बार हम निकाल चुके हैं, तो पहला बार क्या निकाले हैं 50, तो 50 को लिख दीजिए, उसके बाद 2.5, 2.5 को लिख दीजिए, उसके बाद क्या है 0.125, इसे हम लिख लेते हैं। अब इसको जोड़िए, 5 तिया कितना, इसको गुना करना है, 5 तिया 15, 150 हो गया, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 5, 7.5 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, एक से किसी भी चीज को गुना करेंगे वही हो जाएगा। अभी सबको जोड़ दीजिए ओवरऑल, ठीक है, तो दशमलव के बाद जो है 157.62 या 157.75 इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6400 रुपये के मूलधन पर, तो मूलधन हमको दिया हुआ है, कितना है मूलधन 6400 रुपया, पर 5% यहाँ पे प्रतिशत मिसिंग हो गया है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज पूछा जा रहा है। कितने वर्ष का ब्याज पूछा जा रहा है, 2 वर्ष का ब्याज पूछा जा रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 2 का फॉर्मूला लिख लीजिए, 2 का फॉर्मूला क्या है, 2 और 1, दो वर्ष का फॉर्मूला 2 और 1 ले लीजिए, और 5% का वैल्यू क्या होता है आपको बताएं, 1/20 हो गया 5% का वैल्यू। देखिए किस पे निकालना है, किसका निकालना है 1/20, 6400 का 1/20 कटाइए, 0, 0 कट जाएगा, 2 से कटाइए, 2 तिया 6, 2 दोनों 4, ये निकल के आएगा 320। ये हमारा पहला निकल गया, 2 वर्ष का कर है तो 2 बार निकालना है, 320 का फिर से निकालिए 1/20, 0, 0 कट जाएगा, ये कट के आ जाएगा आपका 16। ये आपके पास 2 चीज आ गया है, ये फॉर्मूला है 2 और 1, इसमें बैठाइए इसको, 320 को यहाँ पे बैठा है और उसके बाद 16 को एक जगह बैठा है, इस ये जो ऊपर 2 और 1 दिया हुआ इससे इसको गुना करते हैं, जब इसको गुना करेंगे तो 640 हो जाएगा, और उसके बाद इसको भी गुना करके इसमें जोड़ देते हैं, एक से किसी भी संख्या में गुना करते हैं वही हो जाता है। अब इस दोनों को जोड़िए, 6, ये 5, तो 656 रुपया जो है ब्याज के रूप में मिलेगा, इस पे मिलेगा 6400 रुपये पे 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करके ये आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50,000 के मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 4% हो। आप अपने से भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा देर टाइम लीजिए और कॉपी कलम निकालिए, इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए कि यदि आपसे बनता है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है आपको जो बताए हैं। सबसे पहले परसेंटेज का वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं परसेंटेज का वैल्यू निकालते हैं, परसेंटेज 4% का वैल्यू कितना हो गया 1/25, 1/25 कितना वर्ष है 2 वर्ष है, तो कितना बार निकालना है 2 बार निकालना है, किस पे निकालना है 50,000 पे, तो 50,000 को गुना कीजिए 1/25 से, 25 × 50, ये आपका 2000 निकल के आ गया। ठीक है, 2000 का फिर से निकालिए 4% यानी कि 25 से भाग दीजिए। ठीक है, 8 बार में ये कट जाएगा, 1 0 लग गया, 80 हो गया, हमारे पास अब 2 टर्म जो है ऑलरेडी आ चुका है। तो अब देखिए यदि 2 वर्ष का रहे तो 2 वर्ष का फॉर्मूला आपको क्या लिखा है 2 और 1, तो पहला
2000 हमारा निकला है, दूसरा निकला है 80। इस दोनों को गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 4000 जोर 1 से गुना करेंगे 80 को, 80 हो जाएगा। तो 4080 रुपया जो है हमें 2 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में मिलेगा 50,000 के मूलधन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8000 के मूलधन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का बताए हैं आपको। सेम चीज वही करना है कि सबसे पहले हमें दर देखना है, दर कितना है 5%, 5% का वैल्यू कितना हो गया 1/20। ठीक है, आपको दिया हुआ है मूलधन 8000, तो 8000 का 1/20 कितना निकल के आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 400। पहला हमारा क्या निकल के आ गया, 400। अब 400 का फिर से एक बार निकालिए 1/20, 20 × 2 = 40, 20 बार में कट के निकल जाएगा, तो हमारा दूसरा क्या निकल गया 20। 3 वर्ष का निकलना है तो 20 को जो है एक बार और 1/20 से गुना कीजिए, तो 20 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष का निकालने के लिए कहा जा रहा है, ऑलरेडी 1 2 3 हमारा निकल के आ गया है, तो 3 वर्ष का फॉर्मूला आपको बताए हैं 3 3 1। अब इस पे बैठाएंगे, पहला क्या निकला हुआ है हमारा 400, दूसरा क्या निकला हुआ है 20, तीसरा क्या निकला हुआ है 1। अब इस दोनों को गुना कीजिए, 4 × 3 = 1200 जोड़ 20 × 3 = 60, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1261 रुपया जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में निकल के आ जाता है। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार यदि इसे अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको जो जब भी ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है समय क्या है, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जो भी समय आपको दिया हो, उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो है एक चार्ट देंगे, उस चार्ट को जो है आपको लिख लेना। जैसे 2 वर्ष का आपको चार्ट दिए हुए हैं 2 और 1, ये चार्ट ऑलरेडी हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिए हैं। 2 वर्ष का परसेंटेज को देखना है। दूसरा काम क्या है, परसेंटेज, 4% का वैल्यू 1/25, 4% का वैल्यू 1/25। अच्छा, 4% का वैल्यू कैसे होता है 1/25, तो इसको हम करते क्या है, 4 को गुना करते हैं 1/100 से, परसेंटेज उड़ता है नीचे 100, इसको कटा देते हैं, 4 × 4 = 25 × 100, तो 1/25 इसी तरह निकल के आता है सारा परसेंटेज का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 1/25 निकल के आ गया, हमको दिया हुआ है 625, 625 का 1/25 निकालिए, तो 25 बार में कट जाएगा 25, हमको निकल के क्या आ गया 25, 2 बार निकालना है 25 को, फिर से एक बार 1/25 निकालिए, 25 कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 1। तो अब देखिए हमारे पास 1, ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का निकल गया, तो इस 2 वर्ष के फॉर्मूला के सामने इसको रख दीजिए 25 और यहाँ पे 1, तो 2 से जब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50 जोड़ 1 × 1 = 1, यानी कि 51 रुपया जो है हमको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होगा 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपया पर 2 वर्ष के बाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8000 की एक राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया है, 3 वर्षों के लिए। ठीक है, प्रतिशत दर क्या है, प्रतिशत दर जो है 10% है, तो 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10, तो 1/10 से भाग देंगे, कितनी बार देंगे 3 बार देंगे, तो पहले बार यदि 8000 में भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 1/10 से भाग देंगे तो 800 निकल के आएगा पहले बार, दूसरे बार कितना निकल के आएगा 80 निकल के आएगा, और तीसरे बार कितना निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन मग को सॉल्व कर लिए हैं इस वीडियो में हम, तो इसीलिए इस बार डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या है 3 वर्ष का, 3 2 1 3 2 1, तो इसके नीचे 800 लिखेंगे, इसके नीचे 80 लिखेंगे, इसके नीचे 8 लिखेंगे, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 160 हो जाएगा जोड़ 8। ठीक है, अब इस सबको जोड़िए 8 6 5 और 2, ओवरऑल ये जो है आपका 2568 रुपया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50000 की एक राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का
जो है चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना। सेम टू सेम क्वेश्चन रखें, पैटर्नल क्वेश्चन है क्योंकि आपका ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। चलिए एक बार फिर से उसे करते हैं। राशि हमको दिया हुआ है 50,000। कितना दिया हुआ? 50,000। कितना परसेंट? 10%। 10% का वैल्यू कितना? 10। 10 कटेगा, पहला हमको निकल के आ गया कितना? 5,000। दूसरा क्या निकल के आ जाएगा? 500। इसका 10% निकालेंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे, 50। तीन से तो 5 दिया, 15,000 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1500 और यहाँ पे 50। तो 50 5 6 ये आपका हो गया 16,550 रुपया। ये जो है ओवरऑल आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 3 वर्ष के बाद किस मूलधन पे? 50,000 के मूलधन पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40,000 की एक राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ज्ञात करें 2 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे 3 कर दिए, 3 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो चलिए इस तरह की जब भी कॉन्सेप्ट को निकालना हो तो हम लोग करते क्या है, एक फॉर्मूला आपको बताएं, वो फॉर्मूला को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उसको लिखते कैसे हैं। 2 का याद रखिए 2 और 1। अब देखिए जब हम 3 का निकालते हैं तो सबसे पहले 3 को हम लिख लेते हैं, 3 को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। उसके बाद ऊपर का जो भी 2 टर्म है इसे दोनों टर्म को जोड़ते हैं, 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना? 3। और लास्ट में 1 अकेला बच गया तो उसे उतार देते हैं। अब देखिए 4 वर्ष का कभी पूछ दे तो पहले तो 4 लिख ही लेना है, जितना दिया हुआ उसको लिख लेना है। उसके बाद ऊपर के टर्म को जोड़ना है, 3 3 6 3 1 4। उसके बाद लास्ट टर्म 1 बज गया, उतार दिए। जैसे 5 वर्ष का हमको पूछ रहा है तो 5 वर्ष का क्या करेंगे? 5 उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस दोनों टर्म को जोड़ेंगे, 6 4 10 6 4 6 4 10 6 4 10। और उसके बाद जोड़ेंगे 4 1 5 और उसके बाद हमें 1 बज गया लास्ट में, ठीक है। यदि 6 वर्ष का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 6 लिख देंगे और उसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे, 10 5 15 10 10 20 10 5 15 5 1 6 और 1। 7 वर्ष का जो है आप ऑलरेडी निकाल लीजिएगा, अब इसी तरह से पहले 7 लिखना है, बाकी 2 2 टर्म को जोड़ते हुए 1 तक पहुंचना है, ठीक है। ये इस तरह का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, यूज टू है, इसी तरह के सारे क्वेश्चन को बनाए हैं, इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए बन रहा है, बहुत बढ़िया, बन जाएगा बन जाएगा। कमेंट में डालिए बना के कि कितना आंसर आ रहा है। सही है, सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज को देखते हैं। 10% का वैल्यू कितना हो गया? 1/10। अब 40,000 का 10% निकालेंगे, कितना निकल के आ गया हमको? 10 कटेगा, 4,000, ठीक है। और उसके बाद 4,000 का 10% 400, उसके बाद 400 का 10% 40। फॉर्मूला पता है 3 वर्ष के लिए क्या है? 3 3 1 3 3 1। अब देखिए इसको गुना करेंगे 3 से, इसको गुना करेंगे 3 से, इसको गुना करेंगे 1 से, ठीक है। ओवरऑल निकालिए, 4 3 12,000 1240। अब सबको जोड़ दीजिए, 0 4 2 3 1, 13,246 रुपया जो है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगा 40,000 के मूलधन पे 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद। थैंक यू गाइज, यदि आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल आदित्यपुरम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मेरा सोशल मीडिया हैंडल जो है वो द आदित्य सम्राट के नाम से है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अपना कोई भी पर्सनल क्यूरी हो तो आप उसे samrat@aditypuram.com यानी कि मेरे पर्सनल ईमेल पे हमें भेज सकते हैं। लव यू टू, जय हिंद।